प्रीव्यू। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? अगेन वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला में। दोस्तों, क्या आप जान चुके हैं कि खंडसा समाकलन के द्वारा प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है? यदि नहीं जान पाए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमसे पाइए कि किस प्रकार से खंडसा समाकलन के द्वारा क्वेश्चनों को एक आसान तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 14 से कुछ ऐसे सवाल जो खंडसा समाकलन के द्वारा एक आसान तरीके से हल हो जाते हैं। यहाँ पर हल करने से पहले बता दें, फॉर्मूला आपका अप्लाई किया गया है। फॉर्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, ये निशान लगाए समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स अवकलन को व्यक्त करता है। प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन, ये लगा है समाकलन का निशान, द्वितीय फलन का समाकलन, और फिर यहां पर से पूरा पूरे का समाकलन, यानी प्रथम फलन और द्वितीय फलन दोनों का समाकलन। ठीक है, क्लियर है? 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां पे क्या करते हैं, इसको प्रथम फलन मानते हैं और इसको द्वितीय फलन मानते हैं। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिया गया है सामने प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है log x का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन इंटीग्रेशन, द्वितीय फलन है x dx, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो ये हो जाएगा d by dx इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन है x dx, और यहां पर बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है और ये पूरे का समाकलन, तो इसका हिंदी रूपांतरण ना लिख करके इंटीग्रेशन dx यूज कर देते हैं। क्लियर? ये होगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस log x का होल स्क्वायर का अवकलन होगा 2 log x इंटू log x का होगा 1 बाई एक्स, इंटू एक्स का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2, और अभी पूरे फलन का समाकलन करना बाकी है। ये x एक बार कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहां पर बचेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस 2 बार 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x log x इंटू dx। ठीक है, इसको फिर से प्रथम फलन, इसको फिर से द्वितीय फलन मान करके पुनः खंडसा समाकलन कर देते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रथम फलन यानी log x, ब्रैकेट लगा लेते क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन x dx, माइनस प्रथम का अवकलन 1 बाई एक्स, ऐसे लिखते हैं d बाई डी एक्स प्रथम का अवकलन log x इंटू द्वितीय का समाकलन x dx, और यहां पर पूरे फलन का समाकलन। ठीक है, ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x, माइनस ये बनेगा log x इंटू x का समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस log x का अवकलन होगा 1 बटा x, x का समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, और अभी पूरे फलन का समाकलन करना बाकी है। ठीक है, यहां पे x फिर से एक बार कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस इसे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x, माइनस इंटीग्रेशन x dx, इसका 1 बाई 2 बाहर, 1 बटा 2 बाहर, इधर बचेगा x dx, बनेगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस यहां से ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा फलन, ये प्लस का हो जाएगा, इसे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x प्लस 1 बाई 2 इंटू x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x प्लस 1 बाई 4 इंटू x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो चाहो तो यहां पे वो x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा log x का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 बाई 2 प्लस c, ये इसका क्लियर आंसर। 15 नंबर क्लियर कर लेते, दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx, इसका समाकलन करना है, तो देखिए इसको प्रथम फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन मानेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आप लोग समझ चुके हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है, चलिए एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला है आपका प्रथम फलन, तो प्रथम फलन क्या है आपका log x,
इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका समाकलन यहाँ पे dx यूज कर देंगे। माइनस लगा दिया, फिर से दिया गया dy dx, dy dx। प्रथम फलन है log x यानी log x का अवकलन, इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू dx, और फिर लास्ट में है पूरे फलन का समाकलन। तो यहाँ पे पूरे फलन में ब्रैकेट यूज कर देंगे और इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, dx लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये लिखेंगे log x इंटू, इसका समाकलन कैसे होगा, देखिए दो फलन अलग अलग है, इसका समाकलन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस वन का समाकलन होगा x के सापेक्ष x, तो इसका समाकलन होगा x क्यूब अपान थ्री प्लस x माइनस log x का अवकलन होगा एक बटा x, इसका समाकलन जितना इसका होगा उतना इसके होगा, ये होगा एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस x और इंटू इंटीग्रेशन dx। देखिए ये बनेगा log x इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर अपान थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा log x इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है, तो चलिए इसका समाकलन कर देते हैं। ये बनेगा log x इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इसको अलग अलग चाहो तो लिख दो, एक्स स्क्वायर अपान थ्री डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है इसलिए माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों निशान बदल जाएंगे, तो ये बन जाएगा log x, ये होगा एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स क्यूब अपान थ्री, और ये थ्री आपका दिया गया है पहले से ही, माइनस वन का समाकलन क्या होगा, एक्स प्लस सी, तो ये बनेगा log x इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान नाइन माइनस एक्स प्लस सी, ये क्लियर आंसर। 16 नंबर क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन etx इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। देखिए यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले etx अंदर गुणा कर देंगे, etx इंटू साइन एक्स प्लस etx इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ये दो फलन अलग अलग हो गए, इनको अलग अलग कर देंगे, etx साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन etx कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, इसमें इसको प्रथम फलन मानते हैं, इसको द्वितीय फलन मानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन और फिर यहां पर पूरे फलन का समाकलन। ठीक है, और इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा प्रथम फलन है आपका साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन है ई की एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, प्रथम फलन है साइन एक्स इंटू सेकेंड फलन है ई की एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा साइन एक्स, ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स होगा माइनस साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स इंटू ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स होगा और इधर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ये बना है इंटीग्रेशन ई की एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा ई की एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये इसका क्लियर आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्लियर कर लेते हैं, दिया गया इंटीग्रेशन एक्स ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो एक्स लिखा है इसमें एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, नीचे वाला सेम बन जाएगा, बाहर है ई की एक्स डी एक्स अपॉन नीचे है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, अलग अलग फलनों को तोड़ देंगे, लिखेंगे एक्स प्लस वन ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दो फलन अलग अलग होगा इसको अलग अलग लिख देंगे, इसे लिखेंगे ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं इसमें, देखिए इसको प्रथम फलन मानते हैं, इसको द्वितीय फलन मानते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ई की एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसे लिखेंगे ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, इसका यही समाकलन होगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन। बस यहां पे ध्यान देना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स इसका अवकलन करना है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स को हम लिखेंगे वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर एन का अवकलन कर देंगे, एक्स की एन माइनस वन, ये बन जाएगा माइनस वन की पावर वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन, यानी बनेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका समाकलन होगा, क्या होगा इसका समाकलन, सॉरी अवकलन होगा इसका, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ई की एक्स और फिर पूरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की एक्स। ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, ये बचेगा ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका क्लियर आंसर। चलिए 18 नंबर क्लियर कर लेते, दिया गया है इंटीग्रेशन ई की एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स को त्रिकोणमिति फलनों के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के द्वारा हल करेंगे, उसके बाद खंडसा समाकलन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की एक्स, इस 1 को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इट इज फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे पहली आपकी सर्वसमिका है त्रिकोणमिति की। प्लस साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन, ये होगा वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला तोड़ेंगे कॉस टू एक्स वाला, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, इसमें वन कैंसिल हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये बनेगा इंटीग्रेशन ई की एक्स, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे बनेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये दोबारा कर लेंगे, ये होगा ई की एक्स इंटू, इसको पास पास लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, इसे लिखेंगे एक बटा दो ई की एक्स, इसे लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ई की एक्स, ये होगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये आपका बन जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ई की एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक बटा दो इंटीग्रेशन ई की एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस टू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ई की एक्स से गुणा करा देंगे, ये होगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ई की एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। देखिए इनको अलग अलग इनका समाकलन कर देते, ये बनेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन, ये होगा ई की एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बनेगा वन बाय टू, इसमें अवकलन समाकलन कर देंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का होगा टेन एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का होगा टू माइनस प्रथम का अवकलन ई की एक्स का अवकलन ई की एक्स होगा इंटू द्वितीय का समाकलन तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अवकलन समाकलन होगा टेन एक्स बाई टू इंटू टू और फिर से पूरे का समाकलन प्लस आगे लिखा है टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो देखिए ये बनेगा वन बाई टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू टू माइनस, ये दो को पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू ई की एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स,
तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ई की एक्स इंटू टेन एक्स वाई टू प्लस सी, ये इसका क्लियर आंसर। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हमारे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।